हेलो फूडीज, वेलकम टू माय चैनल शोम्स डेलिकेसी। बनाएंगे एक आसान, क्विक और रिफ्रेशिंग रेड सैंडविच जिसका रेसिपी बहुत ही ज्यादा आसान है। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके, ताकि आपको हर हफ्ते बढ़िया और आसान सा फूड वीडियो मिलता रहे। चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं रिफ्रेशिंग रेड सैंडविच का रेसिपी। पहले तो बना लेना एक बढ़िया सा रेड स्टफिंग, सैंडविच स्टफिंग, जिसके लिए मैंने यहाँ पे तेल ऐड किया है करीब 3 चम्मच। कढ़ाई गर्म है, इसमें मैं ऐड करूंगा 1/2 कप बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक बढ़िया से फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगा मटर यानी कि पीस 1/2 कप, इसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। 2 से 3 मिनट बढ़िया से फ्राई करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगा बिल्कुल कद्दूकस किया हुआ बढ़िया सा बीटरूट 1.5 कप। 1.5 कप बीटरूट का मैंने इस्तेमाल किया है, इसमें एक बढ़िया सा लाल कलर देगा। इसे भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट तक। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगा ग्रेट किया हुआ आलू यानी कि कद्दूकस किया हुआ उबला आलू, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने ऐड किया है करीब 1/2 कप। बिल्कुल बढ़िया से मिक्स करना है, फ्राई करना है, फिर इसे हम कवर करके कुक करेंगे। उससे पहले कुछ मसाले ऐड करेंगे। धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर करीब 1/2 चम्मच, थोड़ा सा हल्दी 1/4 टेबल स्पून, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच और नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। सारा मसाला ऐड करने के बाद एक बार बढ़िया से इसे हम चलाएंगे और कवर करके कुक करेंगे। फ्लेम बिल्कुल मीडियम पे है, फ्लेम ज्यादा हाई नहीं करेंगे वरना ये जल सकता है। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है और इसे कवर कर देंगे। करीब 5 से 6 मिनट बाद हमारा रेड स्टफिंग बिल्कुल बढ़िया सा तैयार है। इसे मैं फटाफट से निकाल के ठंडा करने रख दूंगा, तब तक हम चलेंगे फटाफट से हमारे ब्रेड की ओर। अब हम फटाफट से आते हैं ब्रेड की ओर। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा स्लाइस लिया है, इसका जो साइज है इसे मैं बिल्कुल काट लूंगा एक किचन नाइफ या फिर किचन सीजर्स के मदद से। यही सेम प्रोसेस करना है टोटल 4 ब्रेड पीसेस के साथ। साइज को काट लेंगे, बिल्कुल बढ़िया हमारा 4 ब्रेड पीसेस तैयार है। अब इसे भी मैं 1/2 से काट दूंगा यानी कि 1 ब्रेड का पीस से हमारा 1 सैंडविच बनेगा। इसे भी हम फटाफट से 1/2 से काट लेंगे। सारा 4 पीसेस के साथ सेम प्रोसेस करेंगे। हमारा ब्रेड का पीसेस बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह का कटिंग लगाया है सिर्फ सैंडविच को अच्छा दिखाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। आप चाहे तो सिंपल प्रोसेस से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। फटाफट से हमारे जो ब्रेड पीसेस है उसे फ्राई करेंगे। कढ़ाई गर्म कर लिया है, बटर या फिर तेल जो आपका मन आप ऐड करिए। थोड़ा सा तेल को फैला लेंगे, गर्म कर लेंगे। सारा ब्रेड पीसेस एक एक करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे। ब्रेड पीसेस को 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो क्रिस्प फ्राई कर सकते हैं, आप चाहे तो क्रिस्प नहीं भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्रिस्प फ्राई किया है ताकि ये खाने में और भी क्रिस्पी और बढ़िया लगे। ब्रेड को पलट देंगे, बिल्कुल बढ़िया से फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। ब्रेड पीसेस हमारा बिल्कुल बढ़िया फ्राई होकर करीब करीब तैयार हो चुका है। इसे मैं फटाफट से निकाल लूंगा। सो गाइस, ब्रेड हमारा फ्राई होके बिल्कुल तैयार है। अब हम चल जाएंगे हमारे फाइनल प्रोसेस यानी कि असेंबलिंग। यहाँ पे मैंने धनिया का पत्ता लिया है और पुदीना पत्ता लिया है करीब 2-2 चम्मच करके। धनिया मैंने यहाँ पे रेगुलर से थोड़ा सा हटके इस्तेमाल किया है, ये बाजार में बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। इसका जो पत्ता है अभी भी पूरी तरीके से खिला नहीं है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये और भी ज्यादा रिफ्रेशिंग रहेगा, फ्लेवरफुल रहेगा। यहाँ पे मैंने ब्रेड लिया है, इसमें मैं ऐड करूंगा हमारा रेड स्टफिंग। स्टफिंग ऐड करने के बाद बिल्कुल बढ़िया सा इसे हल्का सा प्रेस कर लेंगे ताकि स्टफिंग हमारा बिल्कुल सेट हो जाए। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगा धनिया और पुदीने का पत्ता, इसे एक बढ़िया सा रिफ्रेशिंग फ्लेवर देने के लिए। आप जब इसे ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कितना ज्यादा रिफ्रेशिंग बनेगा। आप देख सकते हैं हमारा सैंडविच बिल्कुल तैयार है स्टफिंग के साथ। एक और ब्रेड का पीस लेंगे, इसे क्लोज करेंगे और डायरेक्टली सर्व करेंगे। आप इसे केचप या फिर मेयोनीज के साथ भी खा सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया तो रेसिपी को लाइक करिए, रेसिपी को शेयर करिए। रेसिपी से रिलेटेड आपको कोई सा भी डाउट है आप मुझे बिल्कुल आसानी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मेरे फेसबुक और इंस्टा हैंडल भी चेक कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। मैं मिलता हूं आपके साथ मेरे अगले वीडियो में। टिल देन आई एम योर होस्ट एंड द शम, गुड बाय फूडीज़।